نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله आज हम सूरह आले इमरान के आयत नंबर 47 देखेंगे आयत नंबर 45 और 46 में हमने देखा कि अल्लाह व तआला ने क्या किया मरियम सलाम को बशारत दी ठीक है ओके मरियम सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या अता करेंगे एक बेटा अता करेंगे तो और उस बेटे का नाम मसीब ने मरियम है मरियम का बेटा है वो वो कैसा है वजीहन, बहुत ऑनर्ड है यानी लोगों में बहुत बुलंद मर्तबे हों वाले होंगे वो दुनिया और आखिरत में अल्लाह के कुर्ब वाले बंदों में से होंगे और वो क्या करेंगे बात करेंगे लोगों से पालने में भी यानी कि पंगोड़े में झूले में भी, भी बात करेंगे और बड़ी उम्र को पहुंच भी बात करेंगे तो वो बड़ी उम्र को यानी अराउंड साल की जो उम्र होती है वाली उम्र तो उसके ताल्लुक से यहाँ पर बात आ रही है तो यहाँ पर अल्लाह ने सुबहाना तूके सलाम को अपने पास उठा लिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कयामत के करीब ईसा आई सलाम दोबारा से दुनिया में आएंगे और वो क्या करेंगे प्रीच करेंगे यानी तबलीग करेंगे और किस किस किताब की तबलीग करेंगे पुराने करीम की तबलीग करेंगे अब वो इंजील की तब्लीग नहीं करेंगे क्योंकि वो एज अ उम्मती बनकर आएंगे आप सल्लाहम के उम्मती बन के आएंगे नबी बनकर आएंगे रसूल बनकर नहीं आएंगे रसूल को नई शरीय दी जाती है नबी को नई शरीय नहीं दी जाती तो रसूल और नबी में ये फर्क है कि रसूल हमेशा न्यू वे ऑफ लाइफ लेकर आते हैं नई शरिया लेकर आते हैं लेकिन जो नबी होते हैं उनको क्या करना होता है जो रसूल ने पैगाम लेकर आए हैं उसी को कंटिन्यू करना होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे तो उनकी उम्मत में ईसा अलैहि सलाम आएंगे नबी बनकर और कुरान ही की तबलीग करेंगे इंशाल्लाह ठीक है अब हम इंशाल्लाह आया नंबर सेवन के ऊपर आ जाते हैं फोर्टी सेवन पर सॉरी मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम

ठीक है तो वो इस आयत में आ रही है उसकी उनके पाकबाजी की दलील आ रही है रहीम आय बिस्मिल्लांबर फोर्टी सेवन वर्ड पढ़ चुके हैं कई मरतबा कौलत फीमेल के लिए होता है कौला मेल के लिए होता है और कौलच फीमेल के लिए होता है रूट लेटर है इसके कौफ वाव लाम कौल का मतलब क्या होता है बोलना ठीक है बात करना कहना तो कौलत मतलब उसने कहा किसने कहा मरियम सलाम ने कहा उसने कहा शी सेड क्यों आ गया शी यहाँ पर ताके ऊपर सुकून है इसलिए शी आ गया उस औरत ने कहा उसने कहा रब्बी अब रब्बी मैंने आपसे कहा था कि जब भी रब्बी आ जाए तो उसका तर्जुमा आपने करना है ए मेरे रब ठीक है इसके अंदर या हिडन है ए मेरे बा के जो जेर है उसमें मेरा हिडन है और रब का मतलब रब तो यहाँ पर तर्जुमा क्या होगा रब के रूट लेटर है बा, बा। और ये जो कसरा है बा के नीचे वो इंडिकेट कर रहा है कि इसके आगे अटैच प्रोनाउन मौजूद है ये इस तरह से है री रब बी तो या का मतलब क्या होता है मेरा और रब यानी रब मेरा रब मेरा रसूल कहना है तो रसूली मेरा मेरी किताब कहना है तो किताबी अगर मेरी कलम कहना है तो कलमी या लगा देंगे आप वो मेरा पजेसिव प्रोनाउन अगर या लगा देते हैं तो आपका पजेशन आपकी मिल्कियत पता चलती है कि ये मेरी चीज है मेरा रब है जैसे हम कहते हैं हमारा उसी तरह से रब्बी मेरा रब ठीक है तो ना लगाने से हमारा हो जाता है और या लगाने से मेरा हो जाता है रबना हमारा रब रबी मेरा रब रसूली मेरा रसूल रसूलुना हमारे रसूल किताबी मेरी किताब किताबुना हमारी किताब ठीक है तो रब, मेरा रब जेर जो है इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इसके आगे या था लेकिन हम जानते हैं कि जब कोई लैंग्वेज कोई भी जबान जब फ्लो में बार बार यूज होती है कोई वर्ड बहुत ज्यादा फ्री, फ्रीक्वेंटली यूज होता है बहुत कसरत से अगर कोई लफ्ज इस्तेमाल हो रहा होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं वर्ड हजफ होने लगते हैं मतलब उसके अंदर वर्ड क्या करते हैं हम छोड़ना शुरू कर देते हैं हमने आपको कई मरतबा इसके एग्जाम्पल भी दी है जैसे जैसे मुराद आबाद कोई नहीं कहता मुराद आबाद इस्लाम आबाद नहीं कहता कोई इस्लाम आबाद इस तरीके से हम क्या करते हैं वर्ड को हजफ करना शुरू कर देते हैं कस, मतलब उसको स्किप करना शुरू कर देते हैं तो उससे वर्ड क्या होते हैं छोटे हो जाते हैं ठीक है लेकिन उसके अंदर मीनिंग उसमें पूरा होता है तो रब्बी का मतलब क्या होगा ए मेरे रब ओ माय रब ओ माय लॉर्ड ठीक है ए मेरे रब कहा यानी किसने कहा उसी उसने कहा उसने किसने मरियम ने कहा रब्बी ए मेरे रब ओ माय लॉर्ड अन्ना अब ये देखे ये वाला अन्ना और ये वाला अन्ना में फर्क है प्रोनंसिएशन दोनों से सेम है ठीक है ये वाला अन्ना भी क्या होगा तर्जुमा लेकिन इसमें अन्ना है थोड़ा खींचा जाएगा एक अलिफ के बराबर अन्ना ठीक है इस तरीके और ये अन्ना तो न और ना ये हिंदी वाला जो न होता है वो अन्ना में आता है इसमें और ये ना जो आता है अलिफ के साथ वो इसमें आता है ठीक है तो प्रोनाउंसिएशन लिटिल एक्सटेंड करेंगे यानी जब आप तलफुज लेंगे तो अन्ना एक अन्ना और एक अन्ना अच्छा इस अन्ना का मतलब क्या होता है बेशक और के इस अन्ना का मतलब क्या होगा कहा का तर्जुमा ले सकते हैं हाउ पॉसिबल वो वो शौक में आ गई कि अल्लाह कह रहा है कि तुझे बेटा होगा और वो तो क्या है वो उसका जवाब दे रहे हैं कि मुझे तो कोई बशर ने छुआ नहीं तो यहाँ पर अन्ना का मतलब कहा से कहा से हाउ ठीक है कैसे कहाँ से या कैसे एक्चुअली में कैसे के लिए ना कैफा ज्यादा यूज होता है तो अभी हम देखेंगे ना सेंटेंस उसमें प्रॉपरली फिट हो जाएगा कहाँ से ठीक है पौलत उसने कहा रबी ए मेरे रब अन्ना कहाँ से हाउ यकूनू यकूनु यतान का या है और कूनू के रूट लेटर है काफ वाव नून काफ वाव नून रूट ले, लेटर का मीनिंग क्या होता है है हा होना है हा होना तीनों में से कुछ भी हो सकता है जैसे आयत में सूट होगा हम वैसे तर्जुमा करेंगे तो यहाँ पर या का मतलब होगा यतान का या है या का मतलब होगा वो पूना मतलब होगा होगा वो होगा औलत उसने कहा रब भी ए मेरे रब अन्ना कहाँ से या वो कूनू होगा कहाँ से होगा ली ठीक है ली लाम ली और या ली ज़र है है प्रेपोज़िशन और ली का मतलब होता है लिए और अभी हमने कहा ना या का मतलब होता है पजेसिव प्रोनाउन ली या का मतलब मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए होगा या मुझे होगा है ना दोनों को हम मिला के हम मुझे भी कर सकते हैं तो मुझे का तर्जुमा आप कर सकते हैं या मेरे लिए का तर्जुमा करेंगे उल्टा तर्जुमा क्यों कर रहे हैं हम क्योंकि ली हरफेजर है इसीलिए या का तर्जुमा पहले होगा और ली का तर्जुमा बाद में होगा मेरे लिए इंग्लिश में सीधा ही तर्जुमा होता है फॉर मी फॉर मी हां जी पौलत उसने कहा रब भी ए मेरे रब अन्ना कहाँ से या वो कूनू होगा ली मेरे लिए या मुझे क्या वलद औलाद पढ़ते पढ़ते ना उसी उसी का सिंगुलर है वलद, वाव, लाम, दाल इसके रूट लेटर है वलद का मतलब बेटा ठीक है सन बेटा बॉय एक्चुअली में बॉय भी तर्जुमा होता है इसका वलद का तर्जुमा बॉय भी होता है और सन भी होता है ठीक है कहाँ से होगा मेरे लड़का या बेटा कोई बच्चा वलद वलद ली मेरे लिए वलदुन बेटा वलम सी बशर व और एंड का तर्जुमा होगा क्या है ये कंजंक्शन है हरफे अतफ है <coughs> हरफे अतफ वाव का तर्जुमा होगा और या एंड ठीक है वाव और लम लम का तर्जुमा हमने आपको बताया नहीं कुछ वर्ड्स बताए थे जिनका तर्जुमा नहीं में आता है ला लम लईसा लईसत फीमेल के लिए लईसत लईसत ठीक है फीमेल के लिए जैसे कॉला कॉलथ लिस लईसथ मेल और फीमेल का डिफरेंस है इसमें और फिर हमने ये ये सब का तर्जुमा क्या होगा नहीं और हमने और दो वर्ड देखे हैं कल्ला कल्ला देखा है क्या नहीं अभी तक नहीं कल्ला और लन 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 हम देख चुके हैं ये दोनों का तर्जुमा क्या होगा हरगिज नहीं तो सबके तर्जुमे किस में आ रहे हैं नहीं में आ रहे ला लम लैसा, 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 लन। इसके अंदर ये के तर्जुमा नहीं है लेकिन दो चीजों में जोर ज्यादा है कल्ला और लन में ज्यादा जोर है ठीक है हरगिज नहीं व और लम नहीं यम ससनी इसको भी टुकड़े कर देते हैं हम या यतान का या है रूट लेटर आ गए मीम सीन सीन और नी आ रहा है ठीक है एंड में या यतान का या है या का मतलब हो जाएगा वो ठीक है मीम सीन सीन मस का मतलब होता है टू टच टच करना छूना ठीक है रूट लेटर मीम सीन सीन का मतलब होता है टू to टच छूना ठीक है या वो मस किया या छुआ नी नी क्या है नी अटैच प्रोनाउन है जमीर मुतसिल है और नी का तर्जुमा क्या होगा मुझे मुझे मी मी का तर्जुमा होगा मी इंग्लिश में मी और उर्दू में होगा मुझे तो हम तीनों को करेंगे अगर तर्जुमा या वो मस किया छुआ नी मुझे वो छुआ मुझे वो कौन अभी यह आगे आ गया जाएगा ठीक है नहीं छुआ व और लम नहीं या वो मस किया या छुआ नहीं मुझे किसने नहीं छुआ मुझे बशरुन किसी बशर ने ब शीन र इसके रूट लेटर बशारत के भी रूट लेटर सेम है खुशखबरी के लिए जो रूट लेटर आते हैं ना ब शीन बशर तो वो भी सेम रूट लेटर है अः बशर यानी आदमी किसी आदमी ने किसी इंसान ने बशर मतलब इंसान एनी मैन ठीक है बशर बशीन रॉ इसके रूट लेटर है व और लम नहीं या वो मस्त किया वो यानी वो बशर और नहीं छुआ नी मुझे बशरुन किसी बशर ने किसी इंसान ने तो देखें इंसान के औलाद होने के दो जरिए होते हैं वो इनशाला आगे हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल में और जब वो कहती हैं कि मैं बगावत करने वाली नहीं हूँ और ना ही मुझ मैं यानी ना मेरा निकाह हुआ है ना उजुबिल्ला ना मैंने जिना किया है दो ही जरिए है ना एक हलाल जरिया है एक हराम जरिया है दोनों ही से मैं पाक हूँ ना मेरा किसी मर्द से निकाह हुआ है और ना ही मेरे नाउजु बिल्ला किसी से जिना हुआ है तो मेरे औलाद कैसे हो सकती है वो इनशाला आगे हम आगे की सूर में सूर्य मरियम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल आएगी ठीक है और ज्यादा वह और लम नहीं या वो या छुआ नहीं मुझे बशरुन किसी बशर ने किसी इंसान ने एनी मैन देखे यहाँ तक औत उसने कहा मरियम ने कहा मरियम ने कहा प्रभि ए मेरे रब अन्ना कहाँ से या वो कूनू होगा ली मेरे लिए या मुझे व बेटा या लड़का वह और लम नहीं या वो मस किया छुआ नहीं मुझे बशर उन किसी बशर ने किसी इंसान ने उसने कहा कि ए मेरे रब कहा से होगा मेरे लिए बेटा और नहीं छुआ मुझे किसी बशर ने किसी इंसान ने ओला अब सिंगल आ रहा है ओला ये मेल के लिए औलत फीमेल के लिए ठीक है ओलाउलाम सेम रूट लेटर है ही सेड उसने कहा किसने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसने कहा कजालिकी इससे पहले भी हमने पढ़ा था ज़करिया अलैहि सलाम के ताल्लुक से वो भी क्या कह रहे थे अल्लाह बुढ़ापा मुझे आ गया मेरी बीवी बांझ है कहाँ से मुझे औलाद होगी अल्लाह ने कहा कजालिक इसी तरह इट्स इट्स वेरी सिंपल फॉर अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कोई मुश्किल नहीं है ठीक है कजालिक इसी तरह ठीक है इस तरह यानी अल्लाह रब्बुल इजत के लिए कोई मुश्किल नहीं है जिस तरह से तुम्हारी जबान से बात निकली है उसी तरह अल्लाह रब्बुल इजत तुम्हें क्या देने पर कादिर है औलाद देने पर कादिर है दस लाइक दैट ठीक है लाइक दैट दस इसी तरह ठीक है हाँ जी अल्लाहू अब अब वो अल्लाह कह रहे हैं या फिर सला, अ, सलाम कह रहे होंगे औला उसने कहा कजालिका इसी तरह इसको टुकड़े टुकड़े नहीं करना है ये एक वर्ड है ठीक है कजालिका इसी तरह कजालिकी इसी तरह ये फीमेल से कहा जा रहा है इसीलिए कजालिकी आ रहा है लेकिन इसको टुकड़े नहीं करना है इसी तरह अल्लाहू अलिफ लाम हा इसके रूट लेटर है ठीक है अल्लाह का तर्जुमा अल्लाह ही होगा या यतान का या है रूट लाइटर है या वो फल खलक तखलीक करता है पैदा करता है पैदा करता है ठीक है पैदा करता है या करेगा क्योंकि ये क्या है प्रेजेंट और फ्यूचर है ना इम्परफेक्ट टेंस है तो कभी हम इसको हाल में लेंगे कभी मुस्तकबिल में लेंगे जैसा भी सेंटेंस में सूट होगा इंशाल्लाह या वो खला का पैदा करता है वो तखलीक करता है अल्लाह क्रिएट्स ही क्रिएट्स या ही खला का क्रिएट्स ठीक है वो पैदा करता है पोला उसने कहा कजा लिखी इसी तरह अल्लाह अल्लाह या वो खला का तख्लीक करता है पैदा करता है माँ यशाऊ माँ के तीन तर्जुमे हैं क्या नहीं जो यहाँ पर है जो का तर्जुमा ठीक है जो माँ जो यशा बहुत मर्तबा आ चुका है माँ यशा है ना तो यशा यतान का या है और शाह शा शाह यतान का या है या का मतलब होगा वो शाह शीन या हमजा इसके रूट लेटर है शीन या हमजा ये या की जगह किसने ले ली अलिफ ने ले ली क्योंकि ये क्या है वीक लेटर है शीन या हमजा वीक लेटर कौन कौन से अलिफ वाओ या ये तीनों एक दूसरे की जगह बदलते रहते हैं या फिर क्या करते हैं गायब हो जाते हैं जगह पे से ठीक है कभी कभी वो सेम भी लिखे हुए आ जाते हैं लेकिन कभी कभी जगह बदल लेते हैं कभी कभी गायब हो जाते हैं अच्छा जी या वो शाह चाहता है चाहता है जो वो चाहता है वो क्या करता है पैदा करता है ही या मतलब ही और शाह मतलब विल्स ही विल्स ठीक है उसने कहा ए मेरे रब अन्ना कहाँ से या वो कून हो गाली मेरे लिए मुझे वलद बेटा व और लम नहीं या वो मस किया छुआ नी मुझे बशर उन किसी बशर ने किसी इंसान ने पौला कहा उसने कहा यानी अल्लाह ने कहा कजाली की इसी तरह अल्लाहू अल्लाह यहाँ पे इसके बाद कौमा है यानी एक पॉज है इसी तरह जैसे हम कहते हैं ना इसमें कौन सी बड़ी बात है तो उस उस सेंस में लिया जाता है कजालिका कि इसमें कौन सी बड़ी बात है हम कहते हैं ना शौक उसके कोई अगर शौक एक्ट करता है कोई एकदम से चौक जाता है तो हम कहते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है तो वही वही कजालिका का तर्जुमा होता है कजालिका कजालिकी का तर्जुमा होता है इसी तरह अल्लाह अल्लाह या वो कल का पैदा करता है तख्लीक करता है माँ जो या वो शाह चाहता है कैसे कैसे पैदा करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं अमरन इज़ा इजा रूट लेटर सॉरी इज़ा और इज दोनों का तर्जुमा क्या होता है जब व्हेन और इजन का तर्जुमा क्या होता है तब देन ठीक है तो हमारे पास क्या आ रहा है इज़ा इज़ा का मतलब होगा जब जब पदा, हाँ इज जो होगा पास के लिए होगा माजी के लिए होगा और इज़ा जो होगा प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए होगा प्रेजेंट या फ्यूचर यानी हाल या मुस्तकबिल के लिए इज़ा आता है और इस जो होता है होता है माजी के लिए आता है इज़ा जब पौधा काफ़ दाद या ही इसके रूट लेटर है खाफ दुआ याद ठीक है आपने काजी 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 क्या करता है फैसला करता है ना हमने पिछली क्लास में पूछा था काजी क्या करता है तो so, इन लोगों ने आंसर दिया था निका पढ़ाता है ठीक है तो काजी का सिर्फ एक काम नहीं है निका पढ़ाना उसके बहुत सारे काम होते हैं तो खफ दुआ दिया कदा का, का मतलब होता है किसी चीज का फैसला करना ठीक है तो काजी के हाथ में फैसले होते हैं ठीक है कदा का मतलब फैसला करता है ठीक है ही डिक्रीज यानी इरादा करना फैसला करना ठीक है पर... <coughs> फैसला करता है और इजाजा जब पदा वो फैसला करता है फैसला करता है ठीक है इजाजब पदा वो फैसला करता है कौन अल्लाह फैसला करता है अमरन अमरन हमजा मीम रा अमर, अमर का मतलब होता है काम ठीक है अमरन का मतलब होगा काम एनी मैटर ठीक है एनी मैटर किसी भी काम का अमरन के अः किसी भी काम का ठीक है एनी एनी मैटर हमजा मीम रॉ इसके रूट लेटर है इजा जब कौदा फैसला करता है अमरन किसी काम का फ इन नमा इन नमा फ का तर्जुमा हमने आपको बताया था फ मतलब सो तो देन, फिर पस ये सब तर्जुमे होते हैं जो भी आप लग लगाना चाहें तो तर्जुमा लगा सकते हैं आप पस या तो और इन नमा के दो तर्जुमे हमने आपको बताए थे दर हकीकत दर हकीकत या फिर सिर्फ या बेशक भी आप ले सकते हैं इसका तर्जुमा ठीक है लेकिन यहाँ पर सिर्फ लें क्योंकि अल्लाह इज़्ज़त का यहाँ पर इमेंस पावर अल्लाह इज़्ज़त की एक ताकत और कुदरत का जिक्र है तो यहाँ पर सिर्फ का तर्जुमा लीजिए ठीक है प फिर इन नमा आप तीनों में से कोई भी तर्जुमा लेंगे गलत नहीं होगा दर हकीकत सही है बेशक सही है लेकिन सिर्फ से देखे बाद में वजन और बढ़ जाएगा फ फिर इन नमा सिर्फ यकूलू या या यतान का या है और कुलू वही सेम रूट लेटर काफ उल, या वो वोलू कहता है हमारी पेन क्यों नहीं चल रही या वो कहता है ठीक है वो कह देता है क्या फिर इन नमाज सिर्फ या वो ऊलू कहता है लहू ला और हु लिए के लिए अभी आया था ली वर्ड आया था उसी में था ला और ली दोनों सेम ही होता है ठीक है जब ये पजे से प्रोनाउन के साथ लगता है ना मतलब जो अटैच प्रोनाउन के सा, साथ लगता है तो ये ला हो जाता है अदरवाइज ये ली रहता है और सिर्फ ली या के साथ जो रहता है ना वो जब जेर के साथ आता है खैर इतना मत सोचें बस ये याद रखें कि ला और ली दोनों का तर्जुमा लिए है फॉर है ठीक है प्रोनाउन जमीर इट हु तर्जुमा होगा फॉर इट टू इट या टू भी ले सकते हैं टू इट सॉरी इसके लिए टू नहीं आएगा इसके लिए टू आएगा फॉर इट या टू इट लिए उसके लिए ठीक है तो तर्जुमा किस तरह होगा ला लिए हु उसके उसके लिए इसका तर्जुमा लिए इसका तर्जुमा उसके फॉर इट इटा जब पदा वो फैसला करता है अमरन किसी काम का फा फिर इन नमा सिर्फ या वो कुलू कहता है लहू उसके लिए उल्टा तर्जुमा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हरफे जर है लाम उसके लिए कहता है कुन, पया कुन। वही वर्ड है काफ कुन टर है काफ नून wow, कुन और फयाकून के भी रूट लाइटर सेम है ठीक है काफ नून wow, कुन का मतलब ये जो है कमांड है हुक्म है अम्र है हुक्म अम्र है कमांड ऑर्डर ऑर्डर दे देता है अल्लाह क्या ऑर्डर देता है कुन, कुन का मतलब क्या हो, होगा हमने कहा कि काफ नून के तीन तर्जुमे होते हैं है हा, होना तो अगर यह ऑर्डर है तो क्या होगा हो जा ठीक है हो 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 जा हो जा जा बी बी का तर्जुमा आ जाएगा हो जा या बी फ या कून फ या कून प, या, पून, प, फिर तो देन, सो ठीक है ये कुछ भी हम तर्जुमा कर सकते हैं या वो यतान का या है या वो यानी इट कून हो जाता है हो जाता है ठीक है इट बिकम्स इट बिकम्स B and it becomes. B Be and it becomes हो जा तो वो हो जाता है यानी अल्लाह सुबहान बेपनाह कुदरत के बारे में बताया जा रहा है उसको सिर्फ ये कहना पड़ता है कुन that's all. और अल्लाह इज़्ज़त के कुन कहने से पूरी चीजें जो अल्लाह चाहता है जो फैसला करता है वो तकलीफ में आ जाती है ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह रबुल्जत रॉ मटीरियल लेकर आ रहे हैं फिर उसको बैठ कर बना रहे हैं अल्लाह इज्जत की कुदरत है कि वो किसी भी चीज का इरादा करे तो उसे सिर्फ कहना पड़ता है और वो अमल में आ जाती है वो हो जाया करती है कितना अजीम है ना हमारा रब अल्हम्दुलिल्लाह चलें देखें अब दोबारा से आयत को औलत उसने कहा किसने मरियम सलाम ने रब्बी ए मेरे रब अन्ना कहाँ से या वो कून होगा ली मेरे लिए वद बेटा औलाद बच्चा व और लम नहीं या वो मस किया छुआ नी मुझे बशरुन किसी इंसान ने औला उसने कहा कजा लिखी इसी तरह अल्लाह अल्लाह या वो खला का तख्लीक करता है पैदा करता है माँ जो या वो शाह चाहता है इजा जब पदा वो फैसला करता है वो इरादा करता है अमरन किसी काम का फिर इन नमादर दर हकीकत बेशक या फिर सिर्फ तो देखें यहाँ पे सिर्फ ज्यादा सूट हो रहा है ना सिर्फ कुन कहता है इजा जब कदा वो फैसला करता है अमरन किसी काम का फिर इन नमा सिर्फ या वो कहता है लहू उसके लिए कुन हो जा फिर या वो कुलू हो जाता है कितनी प्यारी आयत है ना ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा से देखिए उसने कहा ऐ मेरे रब उसने कहा ए मेरे रब कहा से होगा मुझे बेटा और नहीं छुआ मुझे बशर ने किसी इंसान ने हम देखें वर्ड स्किप कर रहे हैं सेंटेंस प्रॉपर बनाने के लिए लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या क्या चीजें छोड़ रहे हैं उसने कहा ए मेरे रब कहा से होगा मुझे बेटा और नहीं छुआ मुझे किसी इंसान ने उसने कहा इसी तरह अल्लाह तो पैदा करता है जो वो चाहता है अल्लाह पैदा करता है तख्लीक करता है जो वो चाहता है जब वो फैसला करता है किसी काम का तो सिर्फ वो कहता है उसको या उसके लिए हो जा तो वो हो जाता है समझ आ गई आयत के अल्लाह सुबहान जब उन्होंने कहा देखिए दुनियावी मीन्स के दुनियावी सोर्सेस के और दुनियावी इसबाब के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है कि एक औरत को औलाद हो जाए जबकि उसने कोई तरीका इख्तियार ही नहीं किया जबकि उसको किसी बशर ने छुआ ही नहीं तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान बेपनाह कुदरत और ताकत का जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह इज्जत के लिए कोई काम क्या है मुश्किल नहीं है जब आदम अलैहिस्सलाम को बगैर वाले के कलमा कुन से पैदा किया ना उनके बाप थे ना उनकी माँ थी तो एक बाप के बगैर भी पैदा करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है तो यहाँ पर अल्लाह तआला ने कहा कि आपको शौक एक्ट करने की और उसके मतलब आ, किस तरीके से मतलब वो शौक हो गई ना कि मेरे कैसे औलाद होगी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह इज़्ज़त क्या है कुन फयाकून कहने वाला कुन कहने वाला है और कुन से जब अल्लाह कहता है हो जा तो वो क्या हो जाती है तखलीक हो जाया करती है जिस चीज का भी अल्लाह इज़्ज़त इरादा फरमाता है ठीक है इंशाल्लाह अब हम दूसरी आयत पर आते हैं अल्ले किताब अवल हम तवरा झील अब यहाँ पर ईसा सलाम के जो जो उनका बेटा था उसके ताल्लुक से बताया जा रहा है कि वो कैसे थे वो में से होंगे वो वजीहन होंगे बड़े बुलंद मर्तबे बहुत ऑनर्ड होंगे वो क्या होंगे क्या आ, आ, और क्या था उस आयत में पिछले लास्ट आयत में कि वो लोगों से बात करेंगे महद में ला, आ, महद में महद में पालने में और बड़ी उम्र को जाकर और क्या करेंगे और जो दो ची चीजें यहाँ पर आ रही हैं वो आयत नंबर फोर्टी एट में सिंपल सी आयत है ये आयत करके हम स्टॉप करते हैं इनशाला जी मुकर्रब में हाँ मुकर्रब कुर्बत वालों अल्लाह के जो करीब हैं बस्मिल्लाम रही आया नंबर फोर्टी एट व युअल यूल किताब अवलिकमता झील व व का तर्जुमा यहाँ पर है और एंड ठीक है यहाँ पर हम देख रहे हैं चार वाव आए हैं एक वाव दो वाव तीन वाव और चार वाव यहाँ पर जो पहला वाव है दूसरा वाव है तीसरा वाव है और चौथा वाव है ठीक है ये चारों कंजंक्शन है एंड या और का तर्जुमा होगा ये सब के सब कंजंक्शन है ठीक है यानी हरफे अतफ है कंजंक्शन ये जो सेकंड वाव है ना जो हमने स्क्वायर में किया है ये सेकंड वाला वाव ये है हरफे तफ वावे तफसील वाव तफसील तफसील मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए जो यूज होता है उसको तफसील कहा जाता है ठीक है वाव है ये अब हम आपको बताएंगे कि क्यों ये वाव तफसील है पहले हम तर्जुमा कर लेते हैं व और युमुल किताबा यू अलिमू को हम डिवाइड कर देते हैं व और अलिम सॉरी यू अल्लिम यतान का या है अल्लिम के रूट लेटर है आइन लाम मीम और हु, ठीक है, और हु एक्स्ट्रा आ गया यहां पर अटैच प्रोनाउन आ गया ठीक है या तान का या है या का मतलब होगा वो अच्छा यहाँ पर वो कौन है यहाँ पर अल्लाह के बारे में बात हो रही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिखाएंगे व और अल्लिम का मतलब होता है सिखाना टू टीच टीच ठीक है सिखाना व और या वो अलिम सिखाएगा कौन सिखाएगा अल्लाह सिखाएगा ही विल टीच किसको सिखाएगा हु उसको हू क्या है अटैच प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसल है हू का मतलब उसको तो या वो अलम सिखाएगा सिखाएगा हू उसको या ही अलम टीच विल टीच और हू हिम ही विल टीच हिम वो उसको सिखाएगा यानी वो यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सिखाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद अता करेगा और आप, आपके बेटे को क्या सिखाएगा अल किताबा किताब किताब के रूट लेटर है बा अल से शुरू हो रहा है अल क्या होता है इंग्लिश में द का तर्जुमा देता है उर्दू में अल का कोई तर्जुमा नहीं होता है ये आम को खास कर देता है कॉमन को प्रॉपर कर देता है नकेरा को मारिफा कर देता है किताब किताब या और और, वा और या वो अलिम सिखाएगा हु उसको अल किताब किताब हिकमता व और हिकमता हिकमत सॉरी ये वाव है हम अभी बताते हैं आप लोगों को हिकमता हिकमत ह काम हकमत हिकमत किसको कहा जाता है विजडम को एक मिनट हम ज्वाइन करते हैं बस एक मिनट रहीम हाँ जी वि हूँ या वा और या वो अलम सिखाएगा हूँ उसको अल किताब किताब व और एंड कंजंक्शन है हिकमत ठीक है हिकमत इसके रूट लेटर है हा का मीम हिकमत कहा जाता है अकल की पुख्तगी को किसी चीज के पुख्ता होने को पक्का होने को हा काफ, मीम कहा जाता है ठीक है हा काफ मीम हा काफ, मीम, इसी से हुक्म बनाए हुक्म क्या होता है कि जब आप किसी चीज के अंदर पुख्ता हो जाते हैं पक्के हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं हुक्म जो अरबी में हकम का मतलब होता है फैसला ठीक है तो फैसला भी इंसान कब करता है जब किसी चीज में पक्का हो जाता है तो हा काफ मीम हकम मतलब विजडम यानी अकल की पुख्तगी तो हिकमत अच्छा अब यहाँ पर जो ये सेकेंड थर्ड वाव आ रहा है हमने ये वाला सेकेंड वाला कह दिया था गलती से ये एक्चुअली में थर्ड वाला वाव है ये वाव तफसील है तफसील एक्सप्लेनेशन के लिए आता है ये अब यहां पर वाव wow का तर्जुमा होगा यानी यानी ठीक है बहुत सारी जगह पर वर्ड टू वर्ड में और का ही तर्जुमा इसमें लिखा हुआ है लेकिन क्योंकि इसकी जो डिटेल है इसकी जो तफसर है उसके मुताबिक इसका तर्जुमा यानी होगा ठीक है और का भी तर्जुमा आप कर सकते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन यानी का तर्जुमा करेंगे तो अभी हम आपको बताएंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों यानी का तर्जुमा करना है इसमें यानी वाओ और यानी अतराता तोरात व और ये भी कंजंक्शन है वाओ और इंजीला इंजील तोरात मतलब तौरा गो गौ, ग और इंजील जो है जो अः बाइबल है उसके ताल्लुक से कहा गया अब ईसा सलाम जो हैं, कोई जो किताब लेकर आए थे इंजील लेकर आए थे उसमें क्या मा, मामला था कि ये किताब तोरात जो थी किताब थी और हिकमत जो थी इंजील थी ठीक है इसीलिए ये वाहव का तर्जुमा या नहीं आ रहा है तोरात में किसी भी किस्म का वो नहीं था मतलब हिकमतें नहीं थी जस्ट ए काम ए अहकाम क्या होते हैं डूज एंड डोन्ट्स ये करो ये मत करो ये करना है ये नहीं करना है ये अहकाम थे सिर्फ एहकाम और इंजील जो थी वो हमत की थी हिकमत मतलब विजडम रीजनिंग यानी किसी भी चीज का रीजन देना कि हाँ भाई ये करना है तो क्यों करना है अब हमारा कुरान अगर हम कुरान का जायजा ले तो क्या है कुरान कुरान जो है किताब भी है और हमत भी है कुरान के अंदर एहकाम भी हैं है, है ना हमारे पास बहुत सारे एहकाम आते हैं कि आपने नमाज पढ़नी है रोजा रखना है और हज करना है और चैरिटी करना है सब कुछ ये ये क्या है अहकामत है फिर अल्लाह सुबहान तलामत बयान करते हमत क्या है कि आप रोजा रखोगे लाख तत्तकून ताकि तुम परहेजगार हो जाओ तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे है ना फिर आप दुआ करोगे लाअुम यरशुदून दुआएं करते रहोगे तो अल्लाह रबुल्जत से रब्ता कायम हो जाएगा तुम अल्लाह के कनेक्शन में आ जाओगे तो हर चीज के अल्लाह की अल्ला ने हिमत बताई हाँ तुमने शराब नहीं पीनी क्यों नहीं, नहीं पीनी कि इसमें तुम्हारे लिए बहुत सारे नुकसान हैं ठीक है ठीके? तो अल्लाह सुबहान ने कुरान करीम में हमत भी बयान की रीजनिंग बयान की विजडम बयान किया वाई वी आर डूइंग सच थिंग कि क्यों ये करना है एंड वाई वी आर नॉट डूइंग सच थिंग ये क्यों नहीं करना ये हमें कब बताया गया इस कुरान में बताया गया लेकिन इंजील में बताया गया था तौरात में बताया नहीं गया था तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया था जो यहूद थे उन्होंने क्या किया अपने हिसाब से जो मैन्यूपुलेशन करना था इतना अडल्ट्रेटेड कर दिया इस किताब को इतने ज्यादा उस लोगों ने डाइल्यूट कर दिया था अहकाम को कि उन्होंने पूरे अपने मामला में सूद को शामिल कर दिया आज सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है जो सारा कुछ चल रहा है वो क्या है सूद बेस्ड है इंटरेस्ट बेस्ड है यूजरी बेस्ड है क्यों क्योंकि यहूदियों ने पूरी दुनिया पर सूद के जरिए से कब्जा किया और उन्होंने अपने लिए सूद को क्या कर दिया हलाल कर दिया और ये क्यों किया क्योंकि अल्लाह सुबह ने उसमें बयान नहीं की थी ठीक है और वो लोग जो थे डूज एंड डोंट्स खाली देखते थे और वो देखते थे हमारा फायदा किस में है तो जो रबाइज होते थे रब्बी जो होते थे जो उनके स्कॉलर्स होते थे वो कहते थे कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है किताब को हम एक्सप्लेन करेंगे आज भी देखें बहुत सारे लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कुरान को ऐसे पढ़ो मत तर्जुमा मत पढ़ो गुमराह हो जाओगे बहुत सारे उल्मा के मुंह से आप ये बात सुन लेंगे कि खुद से कुरान मत पढ़ो गुमराह हो जाओगे अल्लाह सुबहाना ने इस किताब के अंदर चार मरतबा सूर अः कमर में फरमाया वरिमिर और हमने आसान कर दिया कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए है कोई नसीहत हासिल करने वाला है कोई समझने वाला अच्छा अब याद रखें कि कुरान के अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स हैं एक है तफक्कुर का लेवल एक तदब्बुर का लेवल है तजक्कुर का लेवल है तजक्कुर का लेवल जो है ना वो एक छोटा बच्चा भी अगर कुरान पढ़ रहा होगा और उसके सामने आयत आएगी ना कि नमाज पढ़ो और रोजा रखो तो वो भी समझ जाएगा ठीक है लेकिन एक होता है लेवल जो तफासीर और के गाइडेंस के बगैर नहीं आ सकता अल्लाह सुबहान तला ने तजुर के लेवल को कहा है कि बहुत आसान है कुरान अगर तुम पढ़ना चाहो अगर तुम सीखना चाहो तो यकीनन देखिये छोटे छोटे बच्चे जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं ना इतना परफेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं और ज्यादा बेटर तरीके से करते हैं क्यों क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज की गारंटी दी है अल्लाह ने कहा कि हमारे ऊपर बयान हो इसको बयान करना इसको समझा देना भी हमारे ऊपर है तुम क्या करो इनिशिएशन किसके ऊपर है हमारे ऊपर है शुरुआत तुमने करनी है अल्लाह इज्जत पकड़ के तुम्हें जबरदस्ती बिठाएंगे नहीं अल्लाह ने कह दिया यह कसीरा वु ही कसीरा इसी के जरिए से हम बहुत सो को गुमराह भी कर देते हैं इसी के जरिए से बहुत सो को हिदायत भी दे देते हैं क्यों ऐसा होता है इट्स ऑल बेस्ड अपॉन इंटेंशन कि तुम्हारी नीयत क्या है तुमने किस कुरान को जब ओपन किया तो किस लिए ओपन किया क्या नेकी हासिल करने के लिए ओपन किया कि मुझे अलिफ लाम, मीम पे तीस नैकियाँ मिल जाएंगी क्या तुमने इसको इसलिए हासिल किया कि मेरे मुर्दे जो है उनको आसानी से कब्रों में उतार दिया जाएगा तो हमने सूर्य यासी उनके ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया अल्लाह ने कहा लिल मुत्तकीन इस किताब को मैंने हिदायत के लिए बनाया तो तुम इसको हिदायत के पर्पज से पढ़ो इसकी नीयत तुम्हारे लिए हिदायत की होना चाहिए अदरवाइज हम बाकी सारी चीजें तो समेट ही रहे हैं देखिए कुरान जो भी पढ़ रहा है नेकी तो उसको बिल आखिर मिल ही रही है ना वो चाहे या ना चाहे उसको आ, इ, मिलेगी कुरान पढ़ेगा उसको बरकत मिलेगी ये सब कुछ क्या है एक्सेसरीज है नेसेसरी क्या है हमारी नियत हिदायत और हिदायत के बगैर सारी चीज गुमराही है तबाही है जब तक कुरान को खोलते वक्त हिदायत की नियत नहीं होगी हम जितना पढ़ते जाएं हिदायत हम हम हिदायत तक नहीं पहुंच पाएंगे ठीक है लेकिन गाइडेंस तो अल्लाह सुबहान इसका एक जुज रखा ही है लेकिन नियत भी बंदे की होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्रिटिक्स होते हैं जो इसके अंदर मीन मीख निकालने के लिए क्या करते हैं कुरान को ओपन करते हैं बहुत सारे पॉइंट उनको मिल जाते हैं और वो फिर क्या करते हैं उससे बहुत सारी क्या इशू हाइक करते हैं उन बातों को कि देखो तुम्हारे कुरान में कितना वॉयलेंस भरा हुआ है कितना लोगों को झगड़े के बाद उभारा गया है कितना ये है कितना वो है वो क्यों कहते हैं क्योंकि उनकी नीयत गलत थी तो जो इंसान जिस नीयत से कुरान को ओपन करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको वो चीज़ कसरत से दे देते हैं अब यहाँ पर अल्लाह सुबहाना तआला ने बयान कर दिया कि इस ईसा सलाम जो है किताब और हिकमत सिखाएंगे किताब मतलब तौरात और मतलब इंजील जो तौरात थी वो पूरी क्या थी किताब पर बेस्ड थी दैट मींस वो सारे के सारे अहकाम थे डूज एंड डोंट्स ये करना है ये नहीं करना है अमर था नहीं था और जो इंजील थी वो क्या थी रीजनिंग थी विजडम था और ईसा आलाम जब आए हैं तो उन्होंने मूसा सलाम की जो तौरात थी उसी को क्या किया है मजीद एक्सप्लेन किया है और जो उन लोगों ने मैनिपुलेट किया था जो तब्दीलियां जो रद्दो बदल किया था किताब में उसको उन्होंने करेक्ट वर्जन में पेश किया इंजील में कि ये जो चीज थी तुमने उसको तब्दील कर लिया तो अब क्या करना है इसको ऐसे नहीं करना ऐसे करना है तो वो सारा एक्सप्लेन करने के लिए इस साले सलाम आए थे तो यहाँ पर इसीलिए वाओ का तर्जुमा क्या है यानी ठीक है और नहीं करेंगे यानी कर लेंगे और भी आप करेंगे हमने कहा कि आपको गलत हम नहीं देंगे लेकिन जो एक्सप्लेनेशन के मुताबिक है तफसर के मुताबिक है वाव का तर्जुमा क्या होगा यानी होगा तो आप देखें पूरी आयत को व और या वो अलिम सिखाता है सिखाएगा हु उसको किसको ईसा आलम को और ये पहला या जो आ रहा है वो अल्लाह के लिए आ रहा है और जो हु आ रहा है वो ईसा आलाम के लिए आ रहा है वा और या वो सिखाएगा हु उसको अल किताबा किताब व और अलहिकमता हिकमत वाओ यानी अतौराता तौरात व और अल इंजीला इंजील ठीक है पूरी आयत देख लेते हैं हम बगैर उसके और वो सिखाएगा उसे किताब और हिकमत यानी तौरात और इंजील अल्हमदिल्ला हमारी दोनों आयतें मुकम्मल हुई एक मरतबा पूरा ट्रांसलेशन देख लेते हैं आया 47, उसने कहा ए मेरे रब, अन्ना कहाँ से या वो पूनू होगा ली मेरे लिए वलदुन बेटा बच्चा ठीक है वह और लम नहीं या वो मस किया छुआ नी मुझे बशर उन किसी बशर ने किसी इंसान ने ओला कहा अल्लाह ने कहा कजा लिखी इसी तरह अल्लाह अल्ला या वो खला का तकलीक करता है पैदा करता है माँ जो या वो शाह है गिजा जब पदा वो फैसला करता है वो इरादा करता है अमरन किसी काम का फा फिर इन नमा या सिर्फ या वो कुलु कहता है लिए हु उसके लिए कुन हो जा फा फिर या वो कुनु हो जाता है उसने कहा ऐ मेरे रब कहा से होगा मेरे लिए बेटा और नहीं छुआ मुझे किसी बशर ने किसी इंसान ने कहा अल्लाह ने इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो वो चाहता है जब वो फैसला करता है किसी काम का तो सिर्फ वो कहता है उसको हो जा तो वो हो जाता है कन फयाकून हो जा तो वो हो जाया करता है आया नंबर फोर्टी एट व और या वो अलिम सिखाएगा हु उसको वो यानी अल्लाह सिखाएगा हु उसको ईसा को किताबा किताब व और अल हिकमत हिकमत व यानी तौरात तौराता तौरात तौरात व और अल इंजीला इंजील और वो सिखाएगा उसे किताब और हिकमत यानी तौरात और इंजील يا الحمد <سؤال> لله لما رياة مكمله بارك الله لي ولكم في القرآن الأظيم ونفعني وإياكم و وذكر الحكيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين